बंधक डील पर संकट से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। लोगों को चेतावनी देते हुए इजरायली पर्चे फेंके गए हैं। इजरायल ने कहा युद्ध विराम अस्थाई है, टेम्पररी है, उत्तरी गाजा से दूर रहें। तो ये चेतावनी एक बार फिर से इजरायल की तरफ से दी गई है। उत्तरी गाजा वो इलाका बताया जाता है जिस पर अब लगभग कब्जा हो चुका आईडीएफ का, और इस इलाके को सैनिटाइज करने का दावा करने के बाद अब इजरायल की तरफ से ये वार्निंग भी दे दी गई है कि उत्तरी गाजा से दूरी बनाए रखें, उत्तरी गाजा में जाना बेहद खतरनाक है, ये भी आईडीएफ की तरफ से साफ कर दिया गया। तो इजरायल की तरफ से चेतावनी देते हुए जो पर्चे फेंके जा रहे हैं, आपको समझना होगा कि आखिरकार उसमें क्या कुछ लिखा गया है। ये पर्चे आपके सामने हैं जिसमें ये तमाम चेतावनियां दी गई हैं। साफ तौर पर लिखा गया है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि युद्ध विराम जो अभी हुआ है वो अस्थाई है, टेम्पररी है। इसके अलावा उत्तरी गाजा में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, इस पर्चों में ये साफ तौर पर कह दिया गया। साथ ही साथ उत्तरी गाजा खतरनाक वॉर जोन अब भी है, ये भी इजरायल ने वार्निंग दी है। उत्तरी गाजा में कोई भी वापस ना लौटे, ये साफ कर दिया गया है। सलाह अल दीन रोड से सिर्फ साउथ गाजा जाने की ही इजाजत लोगों को है, तो जो यहां से निकलना चाहते हैं उसके लिए क्या सेफ एग्जिट रूट है, ये भी साफ कर दिया गया है इन पर्चों को फेंक कर। इस बीच विनोद दत्ता सर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार वार्निंग तो आईडीएफ दे रहा है, लेकिन युद्ध विराम को लेकर जिस तरीके से तमाम शर्तें भी रखी गई थी, बंधकों की रिहाई को लेकर शर्तें रखी गई थी, अभी भी कुछ वक्त बाकी है। माना जा रहा है शाम 7:30 बजे का वक्त मुकम्मल किया गया है जब ये किसी न तरीके से शुरू होगा। क्या आपको लगता है एन वक्त पर ये पूरी डील खटाई में पड़ सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए जब तक ये डील मुकम्मल नहीं हो जाती या इसको किसी एक कंक्लूसिव एंड पे नहीं लिया ले जाया जाता, तब तक हमास पे यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी कितने बंधक उसके पास हैं, कितने जीवित हैं, कितने बंधक इस फिजिकल कंडीशन में है कि वो हैंडओवर हो सके, और कितने वो बंधक हैंडओवर करेगा, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि उसने जो डील रखी है इसराइल के साथ कि भाई एक बंधक के एवज में वो तीन जो उसके जेलों में जो उनके बाशिंदे हैं उनको वो लेना चाहता है, तो ये सब चीजें देखते हुए जब तक ये डील किसी बिल्कुल कंक्लूसिव एंड पे नहीं पहुंचती है या मटेरियलाइज नहीं होती है, तब तक हमास पे यकीन नहीं किया जा सकता, और इसराइल अपनी जो गार्ड्स है उनको लोअर नहीं करेगा, और अपनी जो सर्विलेंस स्पेक्ट्रम है उसको बिल्कुल और हमने ये भी देखा है सर, इस डील से पहले ही इजरायल में अंतर्विरोध भी शुरू हो गया था। वॉर कैबिनेट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया था कि आप हमास से डील कर ही क्यों रहे हैं, हमास से डील नहीं हो सकती। इस बीच बड़ी खबर बता दें, डील की आड़ में हमास का बहुत बड़ा प्लान सामने आया। हमास की समय हासिल करने की ये चाल है, यानी अपने लिए वक्त जुटा रहा है हमास, ये बताया जा रहा है इस युद्ध विराम की आड़ में। डील की आड़ में बड़ी साजिश रच सकता है हमास, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि जब भी आप किसी तरीके की डील पर पहुंचेंगे उसे अपने लिए वक्त हासिल करने के तौर पर हमास इस्तेमाल कर सकता है, और अब इसी को लेकर खबर आ रही है कि कोई बड़ा प्लान बना रहा है हमास। अब आपको बताते हैं कि बंधक डील की आड़ में हमास कैसे धोखेबाजी कर रहा है। सबसे पहले समझिए कि प्लान उसका क्या है और क्यों हमास अचानक इस डील पर आ गया। तो आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम रखने जा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ सकेंगे कि आखिरकार अपने लिए किस तरीके से समय जुटाने की कोशिश की जा रही है, समय हासिल करना चाहता है। इसके अलावा माना जा रहा है कि वो हथियार जुटाएगा जब तक युद्ध विराम की स्थिति रहती है, अपने बड़े कमांडर का रेस्क्यू करना भी उसका मकसद हो सकता है। इसके अलावा बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इस दौरान हमास, ये जानकारी भी सामने आई है। सैन्य ताकत जुटाना और बढ़ाना चाहता है हमास, ऐसे में बंधक डील हमास का धोखा माना जा रहा है। अब समझिए कि कैसे इस प्लान को डील के वक्त की खामोशी के पीछे अंजाम देगा, किस तरीके से अपने लड़ाकों को अलर्ट करेगा, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे की रणनीति भी तैयार करेगा हमास और पूरी तरीके से एक बार फिर से संगठित होगा। माना जा रहा है कि इस दौरान वो साजो सामान भी जुटाएगा, तो एक तरह से हमास ब्रीदिंग स्पेस ले रहा है इस डील की आड़ में, यह समझ में आ रहा है कुल मिलाकर।